उस पे रिकॉर्डिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी जो प्रतिदिन की क्विज होती है, मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा सही नहीं होने के कारण अभी इसको हम प्रीमियर पे चला रहे, तो कल से मोस्ट प्रोबेबल इसको बिल्कुल लाइव चलाएंगे। बाकी आपके लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है प्रीमियर और लाइव में, आपको उसी तरह से पुराने क्वेश्चंस के आंसर देखने, उसी तरह से हम विजेताओं का नाम लेंगे, घोषित करेंगे और उसी तरह से हम आज वाले क्विज के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्विज नंबर 72 है और आज 11 दिसंबर को ये हम लेने जा रहे हैं। तो उसको लेने से पहले हमारा जो प्रतिदिन का प्रोसीजर होता है कि पहले हम क्या करेंगे कि जो कल वाले प्रश्न थे उनके आंसर बताएंगे, उनकी ब्रीफिंग थोड़ी समीक्षा करवाएंगे और उसके बाद विजेताओं का नाम घोषित करके 72 नंबर वाले के प्रश्न पूछेंगे। तो देखो सबसे पहले 71 में कल पूछा था कि भारत ने किस देश से स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का विचार बनाया है। एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का क्या बनाया, विचार बनाया है। तो इसमें चार आंसर आपको दिए थे, अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इजराइल है। यानी जो भारत है वो जो ये गन सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसमें बहुत एडवांस क्वालिटी की गन लगी हुई है, तो इसको स्मैश 2000 नाम दिया गया। और भारत कौन से देश से इसको परचेस करेगा, इसराइल से करेगा। तो पहले का आंसर आपका कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं इसको, 10 दिसंबर को मनाते हैं, बिल्कुल आपको पता है, और पूरे विश्व में ये इसी दिन आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो आपका यूएनओ है उसमें, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था चार्टर एक्ट के द्वारा 1948 से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 दिसंबर 2020 को आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था अभी दो दिन पहले। तो यह है कराड़ जनता सहकारी बैंक, साउथ इंडिया का बैंक है जिसे लगातार शिकायतें आ रही थी, तो आरबीआई ने इसका जो लाइसेंस था बैंकिंग व्यापार करने का वो रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स पत्रिका 2020 की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये अमेरिकी पत्रिका होती है, दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची, दुनिया की शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची, दुनिया के शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है। तो महिलाओं की सूची की बात हो रही थी, तो अनेक भारतीय महिलाएं इसमें शामिल की गई है जिसमें वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसमें 41वां स्थान दिया गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, A-41। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था सन 2019 के लिए। तो चार आंसर थे, विश्वनाथ प्रसाद, अखिलेश चंद, सूर्य प्रताप भूषण और आशुतोष मिश्रा। तो आपका सही आंसर कौन सा है, विश्वनाथ प्रसाद। तो आपका आज का जो 71 जो कल प्रतियोगिता हुई थी उसका सही कोड हो गया CBAAA, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस कोडिंग के हिसाब से सही आंसर दिया है, मैं फिर कह रहा हूं नाम जरूर लिखें, जो नाम नहीं लिखेगा उसका सही उत्तर में इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर आप फोन करके मत बोलना कि हमारा सही क्वेश्चन का आंसर था फिर भी हमारा नाम नहीं लिया। तो देखिए टोटल 37 लोग हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 62 थे, जिसमें से 25 ने गलत दिया और 37 ने आंसर एकदम क्या दिया है, सही दिया है। तो सभी 37 जने जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको जगुका परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपके एक बार नाम पढ़ देता हूं, वो 37 जने कौन है, यूएस धाकड़, अश्विनी, पिंकी यादव, परमवीर पूनिया, प्रियंका, विनोद जोरवाल, मनीषा मीना, राहुल कुमार मथुरिया, गुंजन शर्मा, दीपक गुप्ता, विनय यादव, राकेश चौधरी, अनुराधा, भारती कुमावत, रेखा मीणा, आनंद गुप्ता, माया कुमारी, ज्योत्सना चंदोलिया, रिया शर्मा, मानसिंह मीणा, डॉक्टर अमिता भाटी, पूजा नायक, रानू चौधरी, सोनिका, ममता चौधरी, नर्मदा मीणा, ममता गुप्ता, कमल किशोर बसवाल, भरत सिंह, विदुषी जैन, नितिन गुप्ता, राहुल, ज्ञान सिंह, अर्चना मीणा, दीपक पुरोहित, सरोज जांगिड़ और अरविंद मीणा। इन सभी 37 लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। लॉटरी सिस्टम यानी जो रैंडम प्रोसेस के माध्यम से जिन 3 जनों का नाम आया है, ठीक है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, जिनको 500 के 3 कूपन, भाई एक एक कूपन मतलब 3 टोटल 3 कूपन हो गए, तो एक जने को एक 500 का जो कूपन है डिस्काउंट कूपन ऐप पे दिया जा रहा है। तो रानू चौधरी, डॉटर ऑफ श्री लक्ष्मण राम जाट, शाहपुरा जयपुर से है, सरोज जांगिड़, डॉटर ऑफ श्री वेद प्रकाश जांगिड़ जनकपुरी इमलिका फाटक जयपुर से है, और पिंकी यादव, डॉटर ऑफ श्री कृष्णा कुमार यादव मुंडावर अलवर से है। तो इन 3 विजेताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और इन तीनों को ₹500 का जो डिस्काउंट कूपन दे रखा है उस पर या तो ऐप पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं या किसी को दिलवा सकते हैं, और 2 से 3 दिन के भीतर हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको यूज कर लें, वरना फिर वो लैप्स हो जाएगा तो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो आपको वापस एक बार शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए अब आज का प्रश्न हमें जो पूछना है उनको हम प्रोसेस में लेते हैं। आज का जो डेली प्राइस क्विज है वो क्विज नंबर 72 है, जो 11 दिसंबर 2020 को आज हो रहा है। फोन नंबर सिंपल सा नोट करने हैं, जो नए लोग आए इस फोन नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है 8949018682 पर टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज आपको शाम को 6:30 से 7:15 के बीच में। यहां अगर क्विज हमारा जल्दी खत्म हो जाता तो जल्दी आंसर दे सकते हैं, पर इसकी डेडलाइन है वो 7:15 है, तो अनुशासित होके कृपया रिक्वेस्ट है मेरी कि 7:15 तक इसका आंसर आप दे दें, ठीक है। और इसी नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों के क्वेश्चन नंबर के आगे इनके ऑप्शन लिखे ए बी सी डी की फॉर्मेट में, पूरा पूरा ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर अपना नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि जो लोग नाम मेंशन नहीं करेंगे हम सही जवाब होने के बाद भी उनको लिस्ट में स्थान नहीं दे पाएंगे। तो कृपया इसी फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, कौन से फोन नंबर पर, 8949018682 पर, ठीक है। अब आगे देखिए, एक बार क्वेश्चन देखिए आज के। निम्न में से कौन से बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड स्कीम को लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक। तो ये चार आपके ऑप्शन है, इसमें से एक सही है वो आपको चूज करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि निम्न में से कौन से बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड स्कीम को लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। निम्न में से किस वर्ष हाल ही में चर्चित गोल्फ को, हाल में गेम बहुत ज्यादा चर्चित रहा था गोल्फ, तो गोल्फ को पुनः ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, पुनः वापिस से, 2015, 2016, 2017 और 2020। तो जो भी सही आंसर आपको देना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार भाई इसलिए स्क्रीनशॉट है ताकि वीडियो बार बार ना देखना पड़े, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त वायु सेना अभ्यास शुरू किया है, अमेरिका, चीन, टर्की या तुर्की, और डी कौन सा हो गया आपका, फ्रांस हो गया। तो इन चारों में से एक सही है और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा वर्तमान संसद भवन, को भी नया संसद भवन का शिलान्यास हुआ है, तो वर्तमान जो संसद भवन है हमारा अभी तैयार है, जिसमें कामकाज होता है, वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, 1925, 1927, 1947, 1952, करंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4th है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनॉग्रेशन या उद्घाटन कब किया गया था, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट को, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और दोनों का जो हाईकोर्ट है वो एक ही रखा गया, उसको अलग अलग नहीं किया गया। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, राजेश बिंदल, अनिल सोनी, दीपेंद्र सिंह, कैलाश सांकला। तो ये चारों आंसर है, इसमें से जो सही जवाब है आपको देना है। तो इसका भी दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर है यहां तक, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पांचों आंसर है, इनका सबका सही फॉर्मेट में आंसर लिख के आपको टेक्स्ट मैसेज करना है 8949018682 शाम को 7:15 बजे तक, ठीक है। तो अनुशासित रह के टाइम पर ही कर दें, और इस फॉर्मेट में पांचों क्वेश्चन के आंसर देने हैं ऑप्शन की फॉर्म में ए बी सी डी, और फिर अपना नाम लिख के हमें इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज या SMS करना है। और दोस्तों आपने आज की क्विज देखी, और इसके बाद आप ज्यादा लोग इसको सही करें, रॉन्ग कम करें, पिछले 2-3 दिन से रॉन्ग ज्यादा हो रहे थे पर आज रॉन्ग कम हुए, अच्छे से आंसर देखें, प्राइज जीते, और ये करंट के क्वेश्चन जो भविष्य में जितनी भी आपकी परीक्षाएं होगी, जिनको आप गोल में लिए हुए हैं कि मेरे को भी इस परीक्षा में किसी भी तरह सफलता प्राप्त करनी है, वहां पर भी ये करंट का एक बहुत अच्छा कलेक्शन आपके पास
हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और आपने इस वीडियो को देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।